है वो आती है यहाँ पे कि हम लोगों के पास जो है सामने। प्लीज बच्चों, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है सबको? वेरी गुड। तो बच्चों, वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे हमारे सामने सेल की अपॉर्चुनिटी। सेल एक बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है। इन द सेंस मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि बेहतरीन डिपार्टमेंट है, क्योंकि सेल में हमेशा आप देखोगे कि सेल एक ऐसा PSU है जो रेगुलर वैकेंसीज देता है। और यही एक तरीका होता है किसी भी PSU का, ठीक है ना। जैसे हम जब PSU की बात करते हैं तो बड़े बड़े इंडिया में तरक्की की बात होती है कि ये पावर प्लांट, वो पावर प्लांट, ये PSU बड़ा है ये। लेकिन अगर वैकेंसीज वहां प्रॉपर नहीं आ रही है, या मतलब वो जॉब देने में विफल है, तो मेरे को नहीं लगता फिर ऐसे किसी PSU में जो है जाके किसी को भी फायदा, मतलब जाने के तो खैर मौका ही नहीं मिल रहा है, बट ऐसे किसी PSU का क्या भागीदारी है अगर वो जॉब या वैकेंसीज प्रॉपर नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है सेल की, कि सेल रेगुलर बेसिस पे अपने किसी न किसी प्लांट में जो है वो वैकेंसी हमेशा क्रिएट करता रहता है रेगुलर। पूरे साल में कम से कम 2-3 वैकेंसीज हमें जरूर, 2-3 प्लांट्स में हमें जरूर देखने को मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पे अगेन सेल बोकारो जो है आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज लेके आया है, तो जिसका हमने पहले एक डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है बच्चों एक वीडियो पहले में। तो यहाँ पे कई बार बच्चों कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ पे जाके देखें सर नोटिफिकेशन, कई बच्चों को मैसेज आ रहा है नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है उन्हें। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, सेल बुकारो अगर आप डालोगे और करियर सेल पे अगर आप जाएंगे, ठीक है ना, तो आप सिंपल सेल बुकारो की साइट में जाके भी डायरेक्ट देख सकते हैं, और यहाँ के थ्रू भी सेल बुकारो में अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्टील प्लांट करके आता है, तो यहाँ पे आपको सेल बुकारो का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर भी जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह इसमें इसी तरह से प्लांट में आता है बच्चों, और यहीं पर जॉब्स वगैरह पे आप क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक ऑप्शन है। बाकी आप डायरेक्ट सेल बोकारो के साइट में भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। आप बोकारो स्टील प्लांट के साइट में भी जाएंगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा BSL करके, बोकारो स्टील प्लांट का नोटिफिकेशन है। वहां पे भी आपको जो है वो पूरा पूरा जॉब ऑप्शन में मिल जाता है। ये देखिए नीचे ये एनेक्सर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन सा वैकेंसीज यहाँ पे क्लियर कट आपके सामने आ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपके सामने जो है जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले, बट फिर भी मैं आपके सामने ओपन कर ही दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग वैकेंसी को देख पाएं। और प्लीज बच्चों, सेल से रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट है वो इस सेशन में आप लोग जरूर पूछेगा, ठीक है ना। जो भी डाउट है वो इस सेशन में जरूर पूछेगा, क्योंकि आप लोगों के डाउट लेने के लिए ही बेसिकली ये सेशन हम लोग करवा रहे हैं। चलिए मैं ओपन भी कर देता हूं एक बार इसका एक्चुअल नोटिफिकेशन, सो दैट आप लोग देख पाए कि क्या वो नोटिफिकेशन है। रुकिए जरा, क्योंकि इसमें डाउनलोडेड फाइल जो है वो ज्यादा साफ नहीं दिखेगी, इसलिए मैं एक बार ऑलरेडी जो डाउनलोड मैंने करी हुई है फाइल वो मैं ओपन कर दे रहा हूं, देखेंगे। देखिए ये है बच्चों आप लोगों के सामने जो नोटिफिकेशन था सेल का, बोकारो का, ये आप लोगों के सामने है। अब इसमें आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि डिप्लोमा लेवल पे, और ये पहली बार तो नहीं है, सेम वैकेंसी सेम पोस्ट कई बार जगह पे आई हैं, तो ये मतलब ऑलरेडी आप लोगों के पास जो है वो एक्सपीरियंस इस चीज को लेके है। तो मैं नोटिफिकेशन तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी कर लिया है विजय सर ने, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे मेन मेन चीज पे ले जा रहा हूँ बच्चों, वो है आपके पेपर पे, ठीक है ना। वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे हमारा जो है वो मैकेनिकल की टेक्नीशियन लेवल पे ये वैकेंसीज आपके सामने है बच्चों, ठीक है ना, जिसमें मैकेनिकल ही मेन रिक्वायरमेंट है 15, 16, 3, 8। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसका विवरण भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी किस कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व कितनी हैं और कितनी आपकी रिजर्वेशन वाली हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इसके पेपर पैटर्न को लेके बात जब आती है, ठीक है। ऑलरेडी कई बार ये पेपर करवा चुके हैं, तो यहां पे बच्चों याद इंपॉर्टेंट ये चीज रखिएगा कि सेल का पेपर कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं होता है,
ठीक है ना, बहुत बच्चे हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं सेल में। अभी जैसे इससे पहले जहां हमने नोटिफिकेशन डिस्कस किया है, वहां आपको सर ने सिलेक्शन भी दिखाया था कि पिछली बार 15 की लिस्ट थी भिलाई वाली, उसमें से 15 के बच्चों में से 4 सिलेक्शन अकेले मेकी डीजी के थे। तो यहाँ पे मतलब ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सक्सेस रेट हमारा सेल में ऑलरेडी है। बट बात यह है कि वहां पे तक बच्चों ने हमेशा मेन कोर्सेस से पढ़ा है, ठीक है। तो यहां मैं सभी सेल में जो इंटरेस्टेड है बच्चे उनको बताना चाहूंगा कि अगर सही तरीके से आप लोग गाइडेंस को फॉलो करोगे तो सेल का रिटर्न निकालना बहुत आसान है, और स्किल टेस्ट बहुत बेसिक होता है, क्वालिफाइड नेचर का होता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। मेन होता है कि आप रिटर्न में अच्छे मार्क्स निकाल दें, ठीक है ना। तो यहां पे याद रखिए बच्चों, रिटर्न में हमारे पास, मैं आपके साथ लाइव बच्चों की बातें भी करवा दूंगा, जो ऑलरेडी इतने सारे बच्चे, मतलब काफी सारे बच्चे हैं जो सेल में ऑलरेडी निकले हुए हैं हमारे, ठीक है ना, शुरुआती साल से। तो यहां पे मैं आपको बता दूं बच्चे कि सेल में आपको बेसिकली क्वेश्चन का लेवल आपका बिल्कुल बेसिक रहता है, बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन बस ये है कि ओवरऑल तैयारी की जरूरत होती है क्योंकि आता इसमें सब कुछ है, ठीक है ना। यहां पे मैं आपको बता दूं, आता इसमें सब कुछ है। जैसे अगर आप यहां पे इसके पैटर्न को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप टेक्नीशियन लेवल पे पैटर्न को भी देखेंगे बच्चों, याद रखिए बच्चों ये मेडिकल पे भी ध्यान दीजिएगा, ये जो एग्जीक्यूटिव कैडर और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का, आपके लिए नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर वाला है, इसमें ये मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। इस मेडिकल पे भी कई बार बच्चों को डिनाई किया जाता है, तो मेडिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें। उस पर अगर आपको नीड होगी तो अलग से वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो पेपर पैटर्न को लेके चीजें दी गई है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है ना, आपका सीबीटी टेस्ट है, और देन आपका उसके बाद जो है ये सीबीटी टेस्ट है आपका, उसके बाद आपका जो है वो स्किल और ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो स्किल टेस्ट बहुत बेसिक होता है बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको वर्कशॉप वगैरह में ले जाया जाता है, ठीक है ना, बहुत बेसिक होता है, क्वालिफाइंग नेचर का। मेरे हिसाब से अगर बच्चे ने हल्का हल्का सब कुछ किया है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम है मेन रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट बहुत क्लोज जाता है, क्लोज मतलब कि काफी बच्चे जो है वो अच्छा करके आते हैं, तो एक एक आधे आधे मार्क्स से बहुत फर्क पड़ जाता है। सेल भिलाई के टाइम की बात है, जब हमारे यहाँ से जिस बच्चे ने मार्क्स लिए थे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स लिए थे, मीन टॉपर रहा था, और रैंक वन भी यहीं से रहा था सेल का, रैंक तो क्या बोले इसमें सेल में, बट मेरिट में सबसे हाई जो रहा था वो भी यहाँ पे हमारे मेक इट इजी प्लेटफॉर्म से रहा था, आदर्श भट्ट करके लड़का, मैंने लाइव भी दिलाया था आपको, हमारे प्लेटफॉर्म पे उसका सेशन लाइव भी मिल जाएगा, मैं जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो आपसे जो यहाँ पूछा जाना है वो सब कुछ आना है बच्चों आपके पास, देखिए देखिए ये वाला पोर्शन जो है आपका, जिसमें अगर मैं सिलेबस की तरफ ध्यान दूं तो आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास वर्बल एबिलिटी, देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपके पास है 90 मिनट का पेपर है, मतलब 1.5 घंटे का पेपर है, जिसमें वर्बल एबिलिटी है, जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और आपकी रिलेवेंट नॉलेज है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। जिसमें बेसिकली इससे पहले जब आया है तो लगभग लगभग 15 क्वेश्चन आपके समझ लीजिए, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आ जाते थे, करंट अफेयर से आ जाते थे, है ना, पर 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आ जाते थे। तो यहां पे ये बेसिक चीजें जो है वो आपकी आनी आनी है, और ये समझ लीजिए इसके लिए कोई बहुत बेहतरीन तैयारी की जरूरत नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी पेपर के लिए, आप नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं ना, मानो SSC के लिए आप रीजनिंग सीख रहे हैं, ठीक है ना, और या फिर आप जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, वो सब सेम रहता है। ओके, मैं इस PDF को भी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, अभी इस PDF को भी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, और जो सेल्स रिलेटेड हमने पहले गाइडेंस दी है उनको भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप बस गाइडेंस को फॉलो करो बच्चों, सेल आराम से निकल जाएगा,
ठीक है, मैं बोलता रहा हूँ इतने बच्चों ने निकाला है, मैं उनको लाइव लाके भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने कुछ खास अलग नहीं किया है जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। या देखिए, सेल एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए कुछ अलग किया जाए, इसके लिए वही करना है जो आप बाकी पेपर के लिए कर रहे हैं। बस याद रखने वाली चीज है कि रिविजन अच्छा होना चाहिए। सेल का पेपर जो है वो लेवल में लो रहता है लेकिन कवरेज ज्यादा रहती है, क्योंकि एबिलिटी भी आएगी, नॉलेज भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी आएगा और मैकेनिकल भी आएगी। और मैकेनिकल मैं आपको बता दूं बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो लेवल आता है वो सिर्फ और सिर्फ आप शॉर्ट रिवीजन से क्लियर कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ मेरे दिए हुए मेक इट इजी के द्वारा दिए हुए शॉर्ट रिवीजन से कवर कर सकते हैं, ओनली बाय दिस शॉर्ट रिवीजन। और आपको जान के खुशी होगी कि इसके लिए एक क्रैश कोर्स, शॉर्ट रिवीजन कोर्स जो है वो मैं लेके आने वाला हूं, जिसको आपको कल ही से, कल मॉर्निंग से मेक इट इजी लाइव क्लासेस में आपको वो रिवीजन कोर्स दिख जाएगा, जिसमें कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैं शॉर्टली आपको रिवाइज कराऊंगा, जिससे आपके कम से कम क्वेश्चन लग जाएंगे, एक क्रैश कोर्स टाइप का समझ लीजिए आप। क्लियर है, समझ आ रही है बात? ठीक है, टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के लिए जिसमें ऐसा टेक्निकल का क्वेश्चन लेके आऊंगा, पोर्शन लेके आऊंगा जिसमें टेक्निकली आप बहुत आराम से ये रिवाइज कर सकते हैं अपनी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। और हम यही कोशिश कर रहे हैं बच्चों, इस तरह के पीएसयू के लिए कोई बहुत बड़े बड़े कोर्स, प्लीज बच्चों मैं आपको बार बार बता दूं, बी अवेयर। ठीक है ना, सेल के नाम से अगर कोई आपको बड़ा बड़ा फुल कोर्स बेच रहा है, या मैं ही बेच रहा हूं 500 वीडियो वाला, 400, आप लॉन्ग टर्म तय देखिए, पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बड़े कोर्सेज के लिए जाएं कि एसएससी का ले ले, फुल कोर्स ले ले, या कोई अपने पीएससी का ले ले, स्टेट लेवल का ले ले। लेकिन अगर आप सिर्फ सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आपके ऑलरेडी आपने पैसा खर्च कर रखा है, आपको आप तैयारी सिर्फ सेल के लिए पेपर देना है, तो तब आप ऐसे छोटे कोर्सेज जैसे रिविजन टाइप के हो गए, कंप्लीट रिविजन हो गए, शॉर्ट रिविजन, इनको लेके आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, और मेरा जो प्लान है वो यही है सेल को लेके। कल आपको मेक इट इजी लाइव क्लासेस में जो है ओपन करेंगे, ऐप को ओपन करेंगे या मेक इट इजी हब डॉट कॉम साइट को खोलेंगे, तो वहां पे आपको कोर्सेज में दिख जाएगा सेल को लेके एक पूरा कोर्स, जिसके बारे में मैं आपको कल सुबह ही बताऊंगा इसी टाइम पे सेम। ठीक है, कि क्या क्या उसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां से आप आराम से वो कोर्सेज को करके सेल को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, टेक्निकल उसका पूरा। क्लियर है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं बच्चों, इसरो की भी बात करेंगे, इसरो की भी बात करेंगे अलग से वीडियो में। तो यहां मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अपनी ब्रांच के पेपर सॉल्व करने के लिए सेल में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रिक्वायर्ड है और कुछ नहीं, ये याद रखेगा। ठीक है ना, जिस बच्चे ने पहली बार पढ़ रहा है उसको तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट टाइम, वैसे तो खैर ऐसा कोई है नहीं जो पहली बार पढ़ रहा है, डिप्लोमा तो करके आया होगा ना, बट फिर भी जो तैयारी पहली बार कर रहा है वो किसी बड़े कोर्सेज की तरफ जाए, लेकिन जो ऑलरेडी तैयारी कर चुका है वो सेल के लिए सिर्फ रिविजन को करे। अगर वो सॉलिड रिविजन मेंटेन कर लेता है तो मैकेनिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो है उसके अपने डोमेन के क्वेश्चन वो आराम से लगा लेगा। अब बात रही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके या वर्बल एबिलिटी की, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इंग्लिश का लेवल जो है वो थोड़ा ठीक ठाक सा रहता है। ठीक है, वो किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं हम जरूर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, उसमें आपको कुछ अलग से इंग्लिश या कुछ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। एक बेसिक चीजें हैं जैसे स्पॉटिंग एरर है, स्पेलिंग है, इन चीजों के बारे में, तो ये स्पेलिंग वगैरह की कोई प्रैक्टिस थोड़ी ना करनी है। आपकी वोकैबुलरी अच्छी है या इंग्लिश कंटेंट आप पढ़ते रहते हैं तो आप स्पेलिंग भी ठीक कर ही लेंगे, है ना, समझ रहे हैं? तो उसी तरह की मैं बात कर रहा हूं कि इंग्लिश वगैरह के लिए आपको प्रश्न की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी जीके, जीके और एप्टी रीजनिंग को मेंटेन रखें जो कि आप और पेपर के लिए करते हैं। समझ में आई बच्चों बात? समझ में आई बच्चों बात? बिल्कुल बच्चे पीयूष गौतम जी, यही ट्राई करेंगे कि किसी तरह से पूरा कवर करें। ठीक है ना, पूरा कवर करें, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, जब टीम है अपने पास तो कोशिश पूरे की रहेगी कि किस तरह से पूरे को कवर करें। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो समझे मेरी बात आप यहां पे? तो हम यहां पे अपना जो करेंगे वो तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन आपको जो करना है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जिसके लिए मेन सेशन हमने कंडक्ट कराया है। ये मेन कंडक्ट इसीलिए कराया गया है कि आपको क्या करना है बच्चे, क्योंकि आपका देखिए स्टार्टिंग डेट 25 मार्च से आपका ये फॉर्म भरा गया है, 15 अप्रैल तक भरा जाएगा, और आप मान के चलिए कि अप्रैल मई आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 2 मंथ्स आप मान के चलें, बस 2 से 3 महीने के अंदर आप तैयारी करके चले अपनी, इसके अंदर ही आपको सब कुछ करना है, 2 महीने से ऊपर मत मान के चलें, अप्रैल मई या जून। ठीक है ना, अप्रैल में आपका फॉर्म भरा जाना है, मई के अंदर तक आप बिल्कुल तैयार हो जाने चाहिए पेपर के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हैं सेल वगैरह के पेपर। ठीक है ना, जब जब इससे पहले हुए हैं सीधे सीधे करवाए गए हैं। ठीक है,
ट्रांसफर का बच्चों फिक्स नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अभी तक जितने हमारे बच्चे गए हैं ट्रांसफर किसी का नहीं हुआ है, सब अपनी अपनी जगह जहां जहां जिसने ज्वाइन किया था वो अभी तक वहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रांसफर वगैरह की पॉलिसी यहाँ पे क्या है। अरे मैं तो कह रहा हूँ बच्चे पहले पेपर निकालो, ठीक है, जॉब हाथ में तो हो आपके, ये सब डिस्कशन बाद में करना, ठीक है ना, कि ट्रांसफर होगा या नहीं, है ना। इतने अगर हमारे पास हाँ, जिसके पास दो तीन ऑप्शन है वो ये सोचे कि चलो भाई मैं इस सेल का पेपर दू भी कि ना दू, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी जॉब में है वो तो ये सोचे, बाकियों के लिए तो डिस्कशन का मैटर ही नहीं है। क्लियर बच्चों? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे कि जो भी बच्चे यहां पे हैं उनको मैं एक बार क्लियर कर दूं। बिल्कुल, डिप्लोमा होल्डर ही अप्लाई करेंगे बच्चे, और कौन अप्लाई करेगा, डिप्लोमा होल्डर के लिए ही बात कर रहा हूं मैं। देखिए तो यहां पे याद रखिए बच्चों, आपको करना क्या है, बहुत सिंपल, कि सेल में आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन है, ठीक है ना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। यू हैव टू डू अ सॉलिड शॉर्ट रिवीजन, बस अगर आप ये करते हैं यू विल इजिली क्वालिफाई योर एग्जाम, डेफिनेटली आप टेक्निकल में आराम से कर लेंगे, ठीक है। नहीं बच्चे, डिप्लोमा के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है, डिप्लोमा के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। आप नॉन टेक्निकल पोर्शन की बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको क्या कहा, इंग्लिश वर्बल की कोई उसकी जरूरत नहीं है, स्पेशल प्रिपरेशन की, जस्ट गो विद एप्टीट्यूड। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड में ये भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, रीजनिंग और आपका दैट इज कॉल्ड योर एप्टीट्यूड रीजनिंग और जनरल नॉलेज, इन तीन पोर्शन पे आप फोकस करें जो कि आप कर ही रहे होंगे। जनरल नॉलेज जो आपका जो करंट अफेयर्स हो गया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। रीजनिंग आप एसएससी लेवल से नीचे या एसएससी लेवल की लेके चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एप्टीट्यूड भी जनरल जो पीएसयू लेवल होता है, कोई भी पीएसयू में आता है या कोई भी स्टेट लेवल में आता है वही रहेगा, तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं लेकिन फिर भी आपको ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपको करने पड़ेंगे जितना भी टोटल पोर्शन आपका ये नॉन टेक्निकल आता है, बिकॉज ये पेपर आपका आधा पेपर है वो समझ लीजिए, है ना, और आधा पेपर है तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक। बाकी मैं अभी फर्स्ट टाइम आपके सामने इस सेल को लेकर डिस्कस कर रहा हूं, मतलब पहले कभी किया है, अभी इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कमेंट करें कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है, किस चीज के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, वो जानकारी हम आपको लाएंगे, फिर लाइव बच्चों को भी बुलाएंगे जो अभी रिसेंट सिलेक्शन हुए हैं, उन्होंने क्या पढ़ा, किस तरह पढ़ा, कौन सी बुक फॉलो करी, किन नोट्स को पढ़ा या सिर्फ रिवीजन करके हो गया, ये सब आपको वो खुद बताएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा, ठीक है, ठीक है ना, समझ आई बच्चों बात। तो इसके लिए हम लोग जो है कल, मैं आपको बता दूं, कल मॉर्निंग में makeiteasyhub.com, क्योंकि आज उसकी सारी प्लानिंग हो जाएगी, makeiteasyhub.com की साइट जरूर खोले कल, या मेक इट इजी ऐप को, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड जरूर कर ले बच्चों, वहां पे आपको सेल्स रिलेटेड जो है वो प्रॉपर कोर्स दिखाई देगा, ठीक है, समझ आ रही बात, ठीक है, जिसमें आपको क्या कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, वो वहां पे वीडियो, एक फ्री वीडियो होगा उसके थ्रू आप देख सकते हैं, और मैं आपको यूट्यूब के थ्रू भी बताऊंगा। क्लियर है? तो अभी आपको सिर्फ इतना करना है बच्चों, जो अपने आप से तैयार करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं, जो किसी कोर्स या किसी चीज की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, बेटे YouTube में तो पढ़ा ही रखा है, मैं यही बता रहा हूं कि जो YouTube के थ्रू पढ़ना चाहते हैं रजनी जैसे या कोई भी बच्चे, वो YouTube में ऑलरेडी मैंने इतनी बार रिवाइज करा रखा है बच्चे, ऑलरेडी कम से कम टू टू टाइम्स पूरे पूरे सब्जेक्ट रिवाइज करा रखे बच्चे, कम से कम 2 से 3 बार, 2 से 3 बार रिवाइज करा रखे हैं, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, वहां से आप कर सकते हैं, और आपने नॉन टेक्निकल तैयार करिएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो जो फ्री करना चाह रहा है और यूट्यूब में करना चाह रहा है उसके लिए ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो डेडिकेटली कोई चीज करना चाह रहा है तो उसके लिए ये सब चीजें हैं, प्लस टेक्निकल, ठीक है ना, कि अलग से हम लोग कैसे करें, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, ऑप्शन दोनों बच्चों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। न्यूमेरिकल बच्चों बहुत कम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अभी तक के जो बच्चों से रिस्पॉन्स से पता चले हैं, लेकिन लेकिन मैंने क्या बोला कि
कि एग्जैक्ट पेपर किस तरह का क्या आया है, क्वेश्चन की लेवल किस तरह के रहे हैं, वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। जैसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल में, जैसे कास्टिंग के डिफेक्ट पूछ लिए, बहुत ज्यादा आते हैं। थर्मिट वेल्डिंग में थर्मिट मिक्सचर का रेशियो पेपर में बहुत बार आया है, ठीक है ना। वो अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस, टॉलरेंस जोन, ये सब चीजें, ठीक है ना। ये मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन है कि ये पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। आपका वेल्डिंग के ऊपर है, कास्टिंग के ऊपर है, कास्टिंग में चिल स्पेडिंग के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है, टूल के फ्लैंक वियर, क्रेटर वियर, मतलब जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं वो आते ही आते हैं। ऐसे कोई टफ क्वेश्चन आते हैं, जिग्स कहाँ यूज होता है, फिक्सचर कहाँ यूज होता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस, बॉटल किससे बनाएंगे हम, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन क्या होता है, ठीक है ना। रोलिंग प्रोसेस से किस तरह का मटेरियल बनता है, ठीक है। बीसीसी जो है मटेरियल, वो इनमें से किस मटेरियल का स्ट्रक्चर बीसीसी होता है, एफसीसी, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, मतलब जो भी मैकेनिकल में आप मेन चर्चा करते हो, एलॉय के बारे में पूछ लेगा, मोनल मेटल क्या होता है, गन मेटल क्या होता है, समझ रहे ना। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो मतलब बहुत चर्चित क्वेश्चन है, जो सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि हाँ अगर आपने पढ़ा है तो वो क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सैलरी बच्चों आपकी स्टार्टिंग सैलरी 45,000 के आसपास बन जाती है, 30, 35 से 45 हजार के बीच में सैलरी बन जाती है, ठीक है ना। तो सैलरी की टेंशन इतनी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन, ये मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्शन से क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाते हैं बच्चों, काफी क्वेश्चन देखे गए हैं प्रोडक्शन से हमेशा। हाँ, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना होगा बच्चों टेक्निकल का। टेक्निकल में ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज कर सकते हैं कुछ चीज नहीं कर सकते, याद रखिए टेक्निकल का सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। टेक्निकल में आपके अप्लाइड से भी क्वेश्चन है, आपके बेसिक थर्मल से भी क्वेश्चन है, आईसी इंजन से भी क्वेश्चन है, प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन है, एफएम से भी क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि सेल में आप जो है प्रोडक्ट टाइप, तभी मैंने कहा ना कि ज्यादा जरूरी है कि आप रिविजन को टाइम दें, ठीक है ना। ज्यादा जरूरी है कि आप रिविजन को टाइम दें बजाय कि इस चीज के कि आप पूरे पूरे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने जाएं और सोचे कि मैं चार सब्जेक्ट करके चले जाऊंगा। नहीं, आपके एक एक दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन लगभग लगभग पूरी मैकेनिकल से ही पूछे गए हैं। हाँ, ये है कि आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो हीट ट्रांसफर वगैरह, इसकी चांसेस थोड़े कम है, बाकी आपको पूरी मैकेनिकल से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मतलब बेटर है कि पूरी मैकेनिकल को रिवाइज करा जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही बात। बाकी उसके बाद जो स्किल ट्रेड टेस्ट होता है उसकी बिल्कुल टेंशन लीजिए बच्चों, उसकी हम पूरी पूरी जानकारी आपको देंगे, उसके थ्रू स्किल ट्रेड टेस्ट निकल जाएगा। अभी मैं आपको जो पेपर की मेन बताने वाला था बात, ठीक है, वो मेन बता रहा हूं, ठीक है, कि पेपर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के लिए ये करना है, नॉन टेक्निकल के लिए आप जो डेली करंट अफेयर कर रहे हो उसको मेंटेन करो, ठीक है। रीजनिंग के लिए एसएससी लेवल की प्रैक्टिस करो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर मौजूद है, हमारी ऐप में भी मौजूद है फ्री, उनसे प्रैक्टिस करो। और एप्टीट्यूड के लिए जो है आपको पीएसयू लेवल की करनी है, उसकी हम लोग क्लास करवा देंगे, ठीक है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि सेल के लिए एक आधी क्लास करवा देंगे, जिससे पता चल जाएगा आपको कि सेल के लिए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किस लेवल के करने हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आई बात, ठीक है ना। वही मैन वर्क पावर, यही सब क्वेश्चन सिंपल आते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको इतना सा गाइड करना चाह रहा था। बाकी मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि कल या आज शाम से जो है हमारी ऐप और वेबसाइट को जरूर खोलिएगा, उसमें आपको सेल की इंपॉर्टेंट जानकारियां और जरूर मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्किल टेस्ट बच्चों बहुत इजी हुआ है, जो पिछले बच्चों से पूछा गया है वो टूल्स के ऊपर पूछे गए हैं उनसे, रेफ्रिजरेटर साइकिल के ऊपर पूछे गए हैं उनसे, ठीक है ना। उनको बॉयलर के प्रिंसिपल पूछे गए हैं, बॉयलर का वर्किंग कैसे करता है ये पूछा गया है। तो जो स्किल टेस्ट रहे हैं बहुत सिंपल रहे हैं, लेथ के ऑपरेशन पूछे गए हैं, वेल्डिंग के इक्विपमेंट पूछे गए हैं, इस तरह के स्किल टेस्ट हैं, तो इसमें कोई समस्या है ही नहीं करने की। बिल्कुल बच्चे, सबके लिए है, सबके लिए है, ऑल ओवर इंडिया का पेपर है वो, ठीक है ना। बाकी बच्चों आपके जो भी कमेंट होंगे वो आप जो भी मतलब क्वेरीज और होंगी वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। कल मैं सेल पे फिर नेक्स्ट वीडियो लूंगा आपका, और इस नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी क्वेरी का आंसर करूंगा जो भी इस कमेंट में आप लोग लिखेंगे। तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या आपको सेल में जो है और कंफ्यूजन हो रहा है, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा भरपूर फायदा उठा पाए। और जैसे कि हमारा मोर देन 30% रिजल्ट रहा है, 15 में से चार चार बच्चे सेल में अभी रिसेंट भी निकले हैं और पहले भी निकले हैं,
तो बच्चों इसलिए इम्पोर्टेंट, मुझे भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि सेल हमारे लिए हमेशा बढ़िया लकी एग्जाम रहता है। जो बच्चे जुड़ेंगे वो कंफर्म निकलने के चांसेस उनके काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि जो बता रहे हैं वो उस गाइडेंस को फॉलो करें, डेफिनेटली यू विल गेट द सिलेक्शन। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। एससी का फीस कितना है सर? 300 रुपये शायद एससी का, पता नहीं, देखता हूँ। नोटिफिकेशन देख सकते हैं बच्चे, आप नोटिफिकेशन देखा करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, नोटिफिकेशन सब सुनना ही है क्या? आप नोटिफिकेशन देखो, इसमें सब दे रखा है बच्चे, फीस के रिगार्डिंग यहाँ पे सब दे रखा है, देखो फीस के रिगार्डिंग यहाँ सारी इंफॉर्मेशन है बच्चे आपके, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उनके लिए फीस जो है, ग्रेड आपकी एग्जीक्यूटिव में आप नहीं आओगे तो आपकी 150 या 100 रुपये आपकी फीस है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर बिगिनर सिलेबस कंप्लीट कर रहा है बच्चों तो कम से कम मैं कहूंगा कि 3 महीने लगते हैं, ठीक है ना? 3 महीने के अंदर आदमी सिलेबस कर सकता है, अगर दिन रात एक करके पढ़ रहा है तो 3 महीने के अंदर सिलेबस कवर कर सकता है। और अगर रिवीजन के थ्रू कर रहा है, पहले पढ़ा हुआ है लेकिन अब रिवीजन के थ्रू कर रहा है, तो 1.5 महीने के अंदर वो रिवीजन करके अच्छा तैयारी अपनी कर सकता है, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइज। और प्लीज इसमें नीचे अपडेट जरूर करेगा, जिसमें कमेंट से अपडेट जरूर करेगा, जिसके थ्रू मैं आपको कल बता पाऊं कि और क्या क्या इसमें खास है, जैसे कि प्रीवियस पेपर जो हुए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं ये बताऊं, ठीक है ना? मार्क्स कितने रहे हैं, कितना लाना पड़ता